guys, welcome back to my YouTube channel. I am good and I hope that you also good. So today I am here with a new vlog with a new recipe. So I hope that कि आप लोगों की अच्छी लगेगी. तो आज हम बनाएंगे पराठा रोल्स. के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल और डॉन के पराठे. सो एनी फर्दर्स टू लेट्स गेट इन द वीडियो. पहले हम पराठों को फ्राई करेंगे और आगे का सारा जो प्रोसेस है वो आपको मामा गाइड करेंगी. इस तरह से हम ये सारे पराठे तल लेंगे. मैदा गूंद के घर में भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन डॉन ब्रेड की जो होती है ये इस तरीके से भी पराठा जो है हम तैयार कर सकते हैं. चिकन बोनलेस है ये पराठों के लिए, ऑलिव से डेकोरेशन के लिए. मशरूम आप अगर डालना चाहें तो ये रेड सॉस, हॉट सॉस कोई से भी ले सकते हैं. ऑलिव ऑयल, मोजरेला चीज, मायोनीस और मशरूम्स अगर आपकी मर्जी हो. मोजरेला चीज है और जिंजर गार्लिक पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट और या चार गोश्त का थोड़ा सा मसाला. प्याज हम डालेंगे और साथ में ग्रीन लीव्स किसी भी कैबेज के और दूसरी हमारी कैबेज ये. पैन में ऑयल डालेंगे और साथ हम इतना साथ चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे. सौते करेंगे मस्टर्ड पेस्ट के साथ और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ और साथ ही अचार गोश्त का मसाला भी 1 टीस्पून डाल देंगे. तो साल्ट हम चेक कर लेंगे बाद में, अलग से डालना पड़े तो हम अपने टेस्ट के मुताबिक बाद में भी डाल सकते हैं. तो साल्ट जो है वो भी हम ऐड करेंगे और साथ चिली फ्लेक्स जो है वो यमी लगते हैं. जिन्हें ज्यादा स्पाइसी पसंद हो तो वो ज्यादा ऐड कर लें. हमारे पास हॉट सॉस भी मौजूद है, देखिए हम डालेंगे इसको. हॉट सॉस अगर आप ना डालें तो इसमें हम ज्यादा डाल सकते हैं. अगर आप मशरूम पसंद करते हैं तो साथ कुछ मशरूम ऐड कर देंगे और साथ ही हम प्याज डाल देंगे. जो कच्चा प्याज खाना पसंद करते हैं वो अलग से बाद में डाल सकते हैं पराठा रोल में, लेकिन इसमें साथ ही थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा तो ज्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा. साथ ही हमारे पास ये ग्रीन और रेड बेल पेपर मौजूद है, ये भी डाल देंगे अंदर इफ यू लाइक कलर. तो ये हम साथ डाल देंगे और ये जो थाई सॉसेस होती हैं लिटिल बिट इनके अंदर स्वीट बेल पेपर डालने के बाद ये जो थाई सॉसेस हैं शुगर ऐड होती है इनमें, स्वीट एंड साल्ट इनका टेस्ट यमी होता है. अगर ये आप यूज ना करें तो थोड़ा सा आप लेमन भी ऐड कर लीजिएगा. ये हम कैबेज ऐड करेंगे, कुछ ऐसे रहने देंगे और साथ दूसरी चाइनीज कैबेज भी ऐड कर देंगे. और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, जब इसके जूसेस ड्राई हो जाएं चिकन के तो हमने ये कैबेज ऐड करनी है. और तो साथ ही हम इसके ऊपर मोज़रेला हो या चेडर हो जिन्हें पसंद हो तो हम वो श्रेडेड चीज हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे. मैं स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर. बटर पेपर में इस तरीके से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं. और
और इसमें हम ऊपर से मायो डाल देंगे। चाहे तो आप इसको फोल्ड कर दें, और अगर इसको इस तरह से दिखाना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। So yes, we are done with the recipe. I hope that you guys like this. If you like this, like, share, comment and subscribe to my channel. And thank you guys for watching this video. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.